आज हम निकल चुके हैं बारसूर के लिए और बारसूर से जाएंगे मुचनार, जहां हम करने वाले हैं नाइट कैंपिंग। ये किसका टेंट है? मेरा। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं और देख सकते हैं आप क्या करना जा रहा। मुचनार पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, तो सबसे पहले हम खाना बनाने में लग जाते हैं। तो हमें लगा यहाँ काफी ज्यादा ठंड होगी, क्योंकि जहाँ हम कैंपिंग कर रहे होते हैं उसके जस्ट बाजू में एक नदी थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें यह एहसास होता है कि यहाँ तो ठंडी नहीं है, और कुछ देर के बाद हमें जैकेट भी निकालना पड़ता है क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। रात के भोजन में हम बना रहे होते हैं चिकन पकौड़े, चिकन ग्रेवी और फिश। बोलता है मैरिनेट। और इसको कैसे पकाते हैं? जिसमें चिकन को धो जाता है, गरम मसाले जाते हैं, चिकन मसाला जाता है, नमक जाता है, मिर्ची जाता है, हल्दी जाएगा, और आपकी शिमला मिर्च और देखी मिर्च जी, ये जाएगा। मजा ना आए तो नाम बदल देना। तो खा के हम बताएंगे टेस्ट कैसा है। देखने में तो काफी लाजवाब लग रहा है। ये तो ऐसे ही कच्चा खा जाओगे आप। और भाई चावल के बिना तो पेट भरता ही नहीं, तो चावल भी बना लिए। स्वादिष्ट एकदम। रात के 11 बज चुके थे और काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, और हमारा खाना बनके भी रेडी हो गया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे यह एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ चीज की कमी है, और वो है बॉनफायर, जिसको हम मिस कर दिए थे जलाना। फटाफट हम बॉनफायर भी कर लेते हैं। कुछ बताएंगे भी एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। रात का सन्नाटा है, कोहरा छाया हुआ है, और दोस्तों का साथ है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्या बात बोले भैया। और खाना खाने के बाद हम पार्टी करने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि भाई हमें पता भी नहीं चला कि कब रात के 2 बज जाते हैं। और फाइनली रात के 2 बजे एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हुए हम चले जाते हैं अपने अपने टेंट के अंदर। अगली सुबह जब हमारी नींद खुलती है तो टेंट से बाहर सिर्फ मैं ही निकलता हूँ, बाकी मेरे दोस्त टेंट के अंदर सो रहे होते हैं। यह हमारी एक चीज मिस हो जाती है, और वो है सनराइज, जिसको देखने के लिए कल रात को मैं जल्दी सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन सो नहीं पाया। नदी के इस पानी से जब मैं मुंह धो रहा होता हूँ भाई, एक अलग ही लेवल की सुकून मिलती है, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और अभी फिलहाल मैं अकेला उठा हूँ, बाकी सभी लोग सो रहे हैं, तो उनको एक बारी जाके उठा लेते हैं। 30 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने जब देखा कि अभी तक कोई उठा ही नहीं है, तो इन सभी को उठाने के लिए चले जाता हूँ मैं इनके टेंट के अंदर। और भाई मेरे उठाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुबह के 10 बजे हम चले जाते हैं नदी में नहाने के लिए, और नदी के पानी इतनी ज्यादा ठंड होती है कि भाई क्या ही बताऊं। पर अभी हम जहां पर पहुंचे हैं ये काफी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए। Thank you.
तो गाइस नहा लिए हम और पानी से निकलने का मन तो बिल्कुल नहीं, लेकिन घर तो जाना पड़ेगा। मैं इन पानी के बीच में चलते हुए जा रहा हूँ। तो गाइस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आज हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाला वीडियो भी इससे भी मज़ेदार होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।